Hello students, myself Irshad, Senior Faculty of Zoology, CLCC, I welcome you all in the session of discussion of DTS number 48, the topic which is going to be discussed today in this paper is human health and disease along with application of zoology the next part is application of zoology or usme included a animal husbandry so let us start with the system called immune system क्वेश्चन नंबर इट रीड्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जाम्पल्स आर इनकरेक्टली करेक्टली विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी अब ये रॉन्ग एग्जाम्पल को सेलेक्ट करना है इनकरेक्टली करेक्टली मैच इसको सेलेक्ट करना है अब इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर सलाइवा इन माउथ टीयर्स फ्रॉम आईज यस इट इज करेक्ट सेकेंड इज फिजिकल बैरियर स्किन एंड म्यूकस कोटिंग इट इज करेक्ट सेलुलर बैरियर मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं ये भी सही है साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन होता है ये सही है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता तो आंसर हो जाएगा यहां पे फोर ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिप्लीकेशन ऑफ रिट्रो वायरस इन होस्ट सेल सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड करेक्टली मार्ग स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस नाउ दिस प्रोसेस एक्सप्लेन एस दैट हाउ द hiv virus enters into the cell and multiplies and makes its own copies Ab is a hai. this attachment of virus on host cell yes it is correct b b is single stranded dna is produced by reverse transcriptase enzyme or C, hai ki viral dna incorporates into host genome by the help of reverse transcriptase enzyme डी है न्यू वायरल आरएनए प्रोडक्शन ई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस ये नए वायरस पार्टिकल बन गए एंड एफ इज रिलीज ऑफ न्यू वायरसेस आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफेक्टेड सेल तो ये स्टेप्स हैं इसके अंदर एच आई वी वेन इट गेट्स एंट्री इन टू द होस्ट सेल अब इसमें पूछा गया ऑप्शन दैट इंक्लूड्स करेक्टली मार्क्ड स्टेप इसमें सही स्टेप कौन से हैं ये सेलेक्ट करना है आपको तो इसके अंदर जो सही स्टेप है वो ये ए है उसके बाद में ये सी वायरल डीएनए ये नहीं है ये गलत स्टेप ये बी वाला भी सिंगल स्टैंडर्ड इज प्रोड्यूस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम ये भी गलत है डी न्यू वायरल आरएनए प्रोडक्शन ये सही है फिर है ई फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल ये भी सही है रिलीज ऑफ न्यू आफ्टर डिस्ट्रक्शन सेल डिस्ट्रक्ट नहीं होती so, so, e. so, इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिसमर है पांच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक साथ जब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन जाता है पेंटामर आईजीएम। अब इसमें लिख रखा है दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी टू बी सिक्रीटेड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड इन्वॉल्व इन एक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स ये बात सही है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में ये बनती है आईजीएम ये बात ठीक है फिर भी अपन रिमेनिंग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार और ये बी सेल को एक्टिवेट करती है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा एंड सिक्रेटेड ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज इन करेक्ट प्राइमरी में बनता है दिस इज मेजर फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी इन एक्सटर्नल सिक्रीशन सच एज सलाइवा एंड मदर्स मिल्क ये भी गलत है सलाइवा और मदर्स मिल्क में आई जी ए का डॉक्यूमेंटेशन है फोर्थ इज दिस फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रमोट द रिलीज ऑफ

दूसरा है थायमस इज अ सिंपल ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बिनीथ द ब्रेस्ट बोन थायमस इज ए सिंपल ऑर्गन सिंपल ऑर्गन तो नहीं ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा organ organ है सिंपल ऑर्गन नहीं है लिंफॉइड ऑर्गन है थर्ड है बोथ बोन एंड प्रोवाइड मैक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट माइक्रो एनवायरमेंट होता है मैक्रो नहीं होता इट इज माइक्रो ये भी गलत है ये सही है. इसमें यही पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फाइव एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इज इंक्लूडेड इंड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्टिव आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल का मतलब यह है कि डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर दी गई हैं है ना और किससे इंड्यूस होता है किसके अलावा नहीं होता एक्सेप्ट पूछा है फॉलोइंग एक्सेप्ट तो वैक्सीन से कर सकते हैं टॉक्साइड से बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स और यह एक ऑप्शन है इसके अंदर एंटीटॉक्सिन तो एंटीटॉक्सिन से नहीं होता है एंटीटॉक्सिन तो इट्स जैसे अपन ने टेटनस एंटीटॉक्सिन है तो वो इसके थ्रू ये एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन नहीं होगा डायरेक्टली अपन ने एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया पेशेंट में आफ्टर एक्सपोजर विद टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई बैक्टीरिया तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में तो द आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट विच वन इज नॉट इंक्लूडेड एज एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एच आई वी इंफेक्शन किसमें एच आई वी जो है इंफेक्शन उसके होने के जो प्रोबेबिलिटी है रिस्क है वो नहीं होगा इंडिविजुअल हुआ मल्टीपल सेक्स पार्टनर उसमें तो होगा ड्रग एडिक्ट एडिक्टूटेक्स ड्रग्स ओरली ओरल ड्रग लेने वालों में नहीं होता है थर्ड है इंडिविजुअल रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनमें भी हो सकता है चिल्ड्रन बोर्न टू एन एच आई वी इन्फेक्टेड मदर उसमें भी एच आई वी हो सकता है तो किसमें नहीं हो सकता ड्रग एडिक्ट ड्रग्स ओरली उसमें एच नहीं हो सकता तो आंसर इज सेकंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन ए व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड तो ये हेरोइन होती है जो इस कैटेगरी में आती है क्वेश्चन नंबर सेवन द आंसर इज फोर हेरोइन क्वेश्चन नंबर एट सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैंसर के डिटेक्शन और डायग्नोसिस से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस अपने को गलत ढूंढना है इनकरेक्ट ये तो सही है सेकेंड इस कैंसर डिटेक्शन इज बेज ऑन बायोप्सी बायोप्सी का मतलब है टिश्यू का एग्जामिनेशन एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स ये भी सही है रेडियोग्राफिक सी टी स्कैन एम आर आई ये सारे यूज होते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए फोर्थ द कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सी टी स्कैन यूज एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता इसमें एक्सरे यूज होते हैं

स्टीर जो होते हैं दे आर पेन किलर। अब इनका एब्यूज हो जाता है मिस हो जाता है तो मिस से जो ड्रॉबैक होता है वो आपसे पूछा गया है अब ये हिस्टामिन का इफेक्ट रोक देता है सप्रेस द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करने वाला केमिकल है लेकिन कई और जगह से भी रिलीज होते हैं ये है, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम कर देता है एंड इट इज रिलीज बाय मास सेल्स ये है एंड मास सेल आंसर इज सेकंड नेक्स्ट टेन मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शन डिजीजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन मतलब पब्लिक हाइजीन वाला मैटर आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना है पर्सनल हाइजीन में नहीं कीपिंग द बॉडी क्लीन पर्सनल हाइजीन में आ गया सेकंड इज कंजम्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ये भी पर्सनल हाइजीन में आ गया कटिंग आउट ऑफ एन लार्ज नेल नाखून काटना ये भी पर्सनल हाइजीन में आ गया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा यह पर्सनल हाइजिन में नहीं आता तो यहां पर इलेवन ये फाइलेरिया का पेशेंट है जिसको शो किया गया है इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है इसमें एक एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वैसल बिल्कुल सही है अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है ये तो सही स्टेटमेंट है स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम इन मेल्स स्क्रोटम में स्वेलिंग आ रही है आपको दिख ही रहा है सेक्स ऑर्गन अफेक्टेड है डिजेनरेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये भी जेनाइटेलिया डिजनरेट हो जाते हैं स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड स्मॉलर ज्वाइंट्स ये नहीं होता तो आंसर हो गया इसके अंदर फोर क्योंकि ये गलत ही पूछा है आंसर इज फोर ऐसा इसके अंदर नहीं होता क्वेश्चन नंबर इलेवन में इनकरेक्ट पूछा गया आप तो है आपसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब इसमें मैच कराना है डिजीज और बैक्टीरिया की अब टिटनस होता है किससे आपको पता है करेक्ट टाइप ऑफ पैथोजन टिटनस किससे हो रहा है क्लोस्टेडियम टिटनाई गोनोरिया निजेरिया गोनोरी प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस बॉडेटेला ये तो इसमें तो वन टू थ्री फोर हो जाएगा बिल्कुल सही है नेक्स्ट इंटरफेर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर डैश एंड आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अब इंटरफेर क्या होते हैं ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं वायरली इंफेक्टेड सेल्स और ये पार्ट किसका होता है ये पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का स्पेसिफिक नहीं होते नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय अस्थमा में क्या होता है पेन इन लंग्स नहीं डैमेज टू डायफ्राम एल्व्यूलर वॉल डिजेनरेशन स्पाजन ब्रोंकियो ब्रोंक्यूलर मसल्स तो ये ब्रोंक्यूलर मसल्स के अंदर स्पाजम हो जाता है मान लीजिए अगर ये ट्रेकिया है ट्रेकिया बाईट हुआ ये गया लंग्स के अंदर ऐसे करके और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई और इस तरह से ये आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लंग्स के अंदर अब ये जो एयरवे है अस्थमा क्या है अस्थमा इज ए एयरवे डिजीज ठीक है एयर वे के अंदर स्पाजम हो गया तो एयर अंदर तो चली जाएगी लेकिन अंदर जाके ट्रैप हो जाएगी एयर इज ट्रैप्ड इन एयर वे ये याद रखना आप अस्थमा में ऐसा ही होता है क्योंकि ये जो रास्ता है, एयर के बाहर निकलने का और अंदर आने का इसमें नैरोइंग हो जाती है नैरो होने से एयर एक बार अंदर चलेगी तो वो बाहर नहीं आ पाती स्पाज हो जाता है कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है आंसर इज फोर

इनका भी नहीं होता इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 विच वन इज द इज ए इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन आवर बॉडी पहला इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेगोलामीन्स कैटेगोलामीन्स मतलब एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है सही है डिक्रीज ब्लड प्रेशर नो इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर थर्ड ऑप्शन रीड कर रहा हूं इट इज नॉट रिलेटेड विद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ये भी गलत है टोबैको इज एन इन नेचर तंबाकू चबाने से उसकी आदत पड़ जाती है तो ये एडिक्टिव नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द चिल्स एंड आई फीवर इन मलेरिया के टाइम पे जो सर्दी लग के कप कपी लग के जो बुखार आता है और उसका जो वजह है वो है ये रिलीज ऑफ हीमोजाइन ग्रेन्यूल टॉक्सिक होते हैं जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं इनकी वजह से बुखार नहीं आता नेक्स्ट विच वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग बी कीपिंग सक्सेसफुल करने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है टेंट पूछा नॉट इम्पॉर्टेंट तो नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बीज ये तो होनी चाहिए दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द सही सही है कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ ये भी सही है मैनेजमेंट ऑफ बीस ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन विद हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बी हनी एंड बी वैक्स ये नहीं है तो आंसर हो गया फोर 19, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है एडोलिसंस मींस ओनली ए पीरियड ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स सेकंड इज अपने को इनकरेक्ट ढूंढना पहले तो आप इसको तो गलत चीज ढूंढनी है आपको तो इसमें ये गलत है नॉट ओनली ये स्टेटमेंट ही गलत है मीन्स ओनली ए पीरियड ड्यूरिंग विच चाइल्ड इसमें बहुत सारे चेंज आते हैं है ना ओनली पीरियड ड्यूरिंग इट चाइल्ड बिकम इन टर्म्स ऑफ हिज आर एटीट्यूड एंड बिलीफ एज भी बढ़ जाती है बहुत सारे चेंज आता है ये तो सही है इट इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्ड हुड ये भी सही है फोर्थ है इट इज अम्पनीड बाई सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस ये भी सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है तो आंसर हो गया वन ट्वेंटी विच वन इज करेक्ट फॉर फिशरीज फिशरीज से रिलेटेड क्या सही है इट इज डिवोटेड फॉर कैचिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिशेज ओनली दूसरा है स्मॉल नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन फिशेज थर्ड है फिशरीज हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी ये तो सही है इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू ट्रिलियन ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स ट्रिलियंस में तो नहीं है ये तो गलत है स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल नंबर नहीं है लार्ज नंबर है इट इज डिवोटेड टू कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज फिशेज नहीं फिशेज के अलावा दूसरे भी आ जाते हैं इसमें बोलास्कर ये सारा ये गलत है फिशेज ओनली इसमें ये सही है थर्ड uh, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आंसर इज थ्री ट्वेंटी वन विच आर एन फॉलोइंग्रॉल सिंड्रोम कैरेक्टर विद्रॉल का मतलब ये जब कोई ड्रग अपन लेते हैं और उसको लेना अचानक से रोक देते हैं तो रोकने पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को आते हैं इससे रिलेटेड ये चीज है उसमें एंग्जाइटी होती है बेचैनी होती है उल्टी आती है पसीना आता है ये होता है है ना शेकीनेस नोजिया गैस्ट्राइटिस नहीं होता उसमें एम्फाइसीमा उसमें नहीं होता ब्रोंकाइटिस उसमें नहीं होता तो ये चीज़ें अपने को सेलेक्ट करनी है इनमें से कि क्या नहीं होता और क्या होता है तो अपने को सेलेक्ट करना है क्या होता है विड्रॉल सिम्टम में तो एंग्जाइटी नोजिया उल्टी जैसा मन और स्वेटिंग पसीना आते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चूज द रोंग मैच अब इसमें बी सेल्स हैं ऑफ प्लाज्मा सेल बिल्कुल सही है स्पेशलाइज्ड टू रिकोगनाइज स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन सही है मास सेल कौन सी से होती है एड्स इन अराइवल ऑफ ल्यूकोसाइड एट ए साइट ऑफ इंफेक्शन बिल्कुल सही है डब्ल्यू बी सी को ही वहां पर बुला लेती है इंफेक्शन वाली जगह इज इंपॉर्टेंट इन एलर्जिक रेस्पॉन्स ठीक है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को होती हैं दे डोंट रिमेंबर द ओरिजिनल स्टिमुलेशन बाय द इम्यून सिस्टम ये गड़बड़ हो रहा है फोर्थ है प्लाज्मा सेल बायोकेमिकल फैक्ट्री डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन दिस इज करेक्ट तो थर्ड इज इनकरेक्ट और अपने से रॉन्ग ही पूछा है तो आंसर हो गया थ्री नेक्स्ट गेमिटोगोनी इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि उसमें गेमिट्स बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछा है स्टार्ट इन ह्यूमन आरबीसी बिल्कुल सही है एंड कंप्लीट इन मॉस्किटो स्टमक ये बात ठीक है इट अकर इन ह्यूमन लिवर नहीं ये तो मच्छर के अंदर जाके फीमेल एनोफलिस के स्टमक में जाके कंप्लीट होती है लिवर में स्टार्ट नहीं होती आरबीसी में स्टार्ट होती है इसलिए गलत है स्टार्ट इन ह्यूमन एंड कंप्लीट इन मॉस्किटो आरबीसी मॉस्किटो में आरबीसी होती नहीं है इट अकर्स इन मॉस्किटो ओनली ये भी गलत है तो आंसर इज वन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एमिबिक डिस्ट्री कॉज बाई एंटेबास्टोलिटिका द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ए ह्यूमन होस्ट इज तो ह्यूमन होस्ट में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है इसके अंदर टेट्रा न्यूक्लियेटेड सिस्ट ये इस तरह का एक सिस्ट बन जाता है जिसके अंदर चार न्यूक्लियस होते हैं और ये जाके आगे एक एंटमिबाइस्टोलिटिका को फॉर्म कर देते हैं होस्ट के अंदर जाके जिसकी वजह से अमीबियासिस के सिम्टम्स आते हैं आंसर इज फोर नंबर ट्वेंटी फाइव कोलेस्ट्रॉम जिसको अपन कहते हैं कि मदर्स मिल्क है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड विद इन वीक इज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एन इम्यूनोग्लोबिलिज इम्यूनोग्लोबिल मतलब एंटीबॉडीज फॉर द न्यू बॉर्न बट द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द न्यू बॉर्ड थ्रू कोलेस्ट्रॉम इज नॉट परमानेंट सही बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन ये परमानेंट नहीं होता इसके पीछे क्या वजह जो है वो बताई गई है अब इसमें द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम इज लिमिटेड नहीं ये कोई रीजन नहीं है कि लिमिटेड अमाउंट में एंटीबॉडी है तो कम पीरियड के लिए जो है इम्यूनिटी होगी ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज गेट डाइजेस्टेड इन द गट ऑफ द न्यू बोर्न एंटीबॉडी डाइजेस्ट नहीं होती न्यूबॉर्न के क्योंकि वहां पे तो गट में तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उस एंटीबॉडी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो एंटीबॉडी उस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है डाइजेस्ट नहीं होती है थर्ड है ऑप्टेनिंग पैसिव इम्यूनिटी नॉट इन्वॉल्व इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग नो मेमोरी इज जनरेटेड तो ये एक ठीक सी, सी बात लग रही है इस स्टेटमेंट को लेकर इसमें पूछा गया है कि ये लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं है तो लाइफ लॉन्ग इसलिए नहीं है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग तो इसमें मेमोरी नहीं बन पाती तो मेमोरी नहीं बन पाती तो वो आगे वो इम्यूनिटी जो है वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती ये बात ठीक है फोर्थ है ब्रेस्ट फीडिंग इज डन ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऐसा भी नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग तो दो दो साल तीन तीन साल तक करा देते हैं माता है बच्चों को अपने तो ये कोई रीजन नहीं है कि ये कोलेस्ट्रॉम से जो इम्यूनिटी मिली वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी से मिली हुई इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं चलती उसके पीछे रीजन क्या है कि इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग उसमें नहीं हो पाती मेमोरी सेल उसमें नहीं बन पाती तो पातीज थ्री ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होने का क्या सिम्टम है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वीजिंग ड्यू टू ब्रॉन्क्यो कॉन्स्ट्रिक्शन ये ठीक लग रहा है नॉट ए सिम्टम नहीं पूछा ना नहीं है ये तो है रिलीज ऑफ हिस्टामिन बाय मास्टोसाइट एलर्जी होगी तो मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज नेल्स नेरिंग ब्लूइश ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एज पस फिल्ड अप इन फील्ड ये नहीं होता एलर्जी में पस पस नहीं बनता एलर्जी में रैशेस ऑन द स्किन ये भी हो सकता है अपने से पूछा है नॉट ए सिम्टम तो थर्ड इज नॉट ए सिम्टम उसमें ऐसा नहीं होता 27. सेवन ऑटो इम्यून डिजीज टू डिशन ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मसलिस में क्या होता है कि एक स्पेशल है जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर रही है सार्कोलेमा पे स्केलेटल मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहलाती है सार्कोलेमा तो सार्कोलेमा उसको उसके अंदर एक प्रोटीन होती है <coughs> वो डिजनरेट होती जाती है और उसका नतीजा है मसल जो है प्रोग्रेसिवली काम करना बंद कर देती हैं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो स्केलेटल मसल को डिजेनरेट कर देती हैं आंसर इज थ्री ट्वेंटी एट ए बूस्टर रेस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बूस्टर रेस्पॉन्स कब देखने को मिलता है अपने को एंटीबॉडी जब अपन देते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या क्या होगा बूस्टर रेस्पॉन्स देने पर मतलब आज एक वैक्सीन लग गई फिर दो महीने बाद दूसरी लग गई फिर आपने साल भर बाद दूसरी डोज लगी सपोज ये बूस्टर डोज कहलाएगी लास्ट वाली अब उसमें पूछ रहा है बूस्टर रेस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज बाई जब मतलब मेन जो लास्ट डोज लगेगी टीके की वैक्सीन की उसमें क्या होगा किसके अलावा एक्सेप्ट इसके अलावा क्या होगा इट इज हाईली विगरस इम्यून रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा विग्रस का मतलब है तीव्र प्रतिरक्षा अनुक्रिया अच्छा है होगा ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एना रेस्पॉन्स यही होता है तेज रेस्पॉन्स आता है इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर बिल्कुल मेमोरी सेल बन जाती है इसलिए आता है फोर्थ इज कि आई जी एम इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी फॉर्म ड्यूरिंग दिस रेस्पॉन्स ये गलत है यहां पे बनती है आई जी जी तो आंसर इज फोर आपसे पूछा एक्सेप्ट नेक्स्ट रिजेक्शन ऑफ़ फॉरेन ट्रांसप्लांट इज कॉज मीडिएटेड इम्यूनिटी की देन है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने पर रिजेक्ट हो जाना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की देन है एंड इट कैन बाय कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ए फंगल मेटाबोलाइट ये फंगस से मिलता है अपने को तो फंगस से क्या मिलता है अपने को साइक्लोस्पोरिन तो साइक्लोस्पोरिन वाला ऑप्शन कौन सा है ये वाला तो आंसर हो गया इसमें तीन बाकी कहीं साइक्लोस्पोरिन नहीं लिख रखा साइक्लोस्पोरिन क्या करता है ये होस्ट इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है तो आंसर हो गया इसमें थ्री ट्वेंटी नाइन में फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्टी पैराटोप इज द इम्यूनो कॉम्पिटेंट रीजन प्रेजेंट ऑन तो पैराटोप तो ये मान लीजिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये जहां पे एंटीजन आके बाइंड करता है ये कहलाता है इसका पैराटो ये एंटीबॉडी एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन है एफ ए बी रीजन है यहां पे एंटीजन बाइंड करता है वो वाला रीजन है जिसको अपन कहते हैं पैराटोप थर्ड है आंसर एंटीजन पे तो होता है एपिटोप और एंटीबॉडी पर होता है पैराटोप ये जैसे याद रख लीजिए आप एंटीजन पर तो है एपिटोप और एंटीबॉडी पर है पैराटोप हाउ इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम इन ब्रीडिंग लगातार कराने से प्रोडक्टिविटी एनिमल की कम हो जाती है उसको किस तरह से अपन रोक सकते हैं ये चीज इसके अंदर पूछी गई है तो सिंगल आउट क्रॉस करा दें अपन यानी कि ऐसे पेरेंट्स से क्रॉस करा दें जो पांच छह जनरेशन तक इनका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ हो कोई उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ हो तो वो आउट क्रॉस कहलाता है छह जनरेशन तक इनमें अगर कोई इंटरब्रीडिंग नहीं हो तो उस केस में तो उससे ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को एक बार में कवर किया जा सकता है डबल आउटक्रॉस की जरूरत नहीं पड़ती क्रॉस ब्रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती उसमें सिंगल आउटक्रॉस में काम हो जाता है 32. The द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कैन नॉट बी नेगेटिव क्वेश्चन है एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं हो सकता

ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ये नहीं हो सकता क्वालिटी तो बढ़ेगी अच्छी होगी क्वालिटी बेटर होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी क्वांटिटी को अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि काम अपन कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए बाजार में बेचने के लिए क्वांटिटी कम अपन कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसका एडवांटेज ही नहीं मिलेगा इसलिए ऐसा नहीं होता इन ब्रीडिंग का कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि क्वांटिटी कम हो जाए क्वांटिटी तो बढ़नी चाहिए तब जाके वो फायदे का सौदा होगा बेनिफिट का काम होगा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा आंसर इज फोर थर्टी थ्री द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए पैथोजन ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स विल बी सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनती है अभी अपन ने देखा आईजीजी बनती है प्राइमरी में बनती है आईजीएम और सेकेंडरी में बनती है आईजीजी जी तो ये है आंसर इसमें वन ये याद रखना पड़ेगा आपको थर्टी फोर इंक्रीज इन अ पर्सन बॉडी इंडिकेट इंटरफेरॉन कब बनता है जब वायरल इंफेक्शन होता है इसमें से आपको वायरस सेलेक्ट करना है ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोन है वो हेलमिंथ है चिकनगुनिया ये वायरस है इससे बन जाएगा इंटरफेरॉन माइकोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया है तो आंसर है थ्री थर्टी फाइव द एफ ए बी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ अब जैसे ये अभी मैंने बताया था आपको ये एफ ए बी रीजन है इस एफ ए बी रीजन में आपके पास में ये तो हो गई लाइट चेन और ये पार्ट हो गया हैवी चेन का है ना कांस्टेंट रीजन नहीं है ये वेरिएबल रीजन है इसमें बदलाव आते रहते हैं ये इतना हिस्सा ये वेरिएबल होता है और इसके पीछे का इसके नीचे का हिस्सा ये होता है, तो एफ ए बी रीजन की बात हो रही है एफ ए बी रीजन जो है वो वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट होगा ऑफ हैवी एंड लाइट चेन टुगेदर लाइट चेन में भी है वेरिएबल रीजन और हैवी चेन में भी है वेरिएबल रीजन आंसर हो गया इसमें थ्री गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एंटी बाय सर्टेन स्पोर्ट पर्सन एनाबॉलिक स्टीरोइड लेने से खिलाड़ियों को कई साइड इफेक्ट होते हैं वो लिख रखे हैं मैस्कुलाइजेशन यानी कि मेल जैसे कैरेक्टर आना फीमेल के अंदर इंक्रीज एग्रेसिवनेस ये लड़कियों में हो जाता है मूड स्विंग डिप्रेशन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट प्रीमेच्योर बारनेस डीपनिंग ऑफ वॉइस मेनी साइड इफेक्ट आर रिलेटेड विथ फीमेल्स लड़कियों का पूछा है लड़कियों में इनको लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे जो अपने ऊपर दे रखे हैं लड़कियों में एक तो जाएगा ये लड़कों जैसे कैरेक्टर इंक्रीज एग्रेसिवनेस मूड स्विंग बाल्डनेस लड़कियों में नहीं होती डिप्रेशन एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी सिक्स में अच्छा इसमें पूछा फीमेल एज वेल एज विद मेल पार्टनर एक मिनट इसको अपन दोबारा सॉल्व करते हैं फीमेल के साथ साथ मेल में भी होता है ये सेलेक्ट करना है आपको ये देखो मैस्कुलराइजेशन ये फीमेल में इंक्रीज एग्रेसिवनेस ये मेल और फीमेल दोनों में मूड स्विंग डिप्रेशन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये सिर्फ फीमेल में हो गया डीपनिंग ऑफ वॉइस ये एक ही सेक्स में है ये भी एक ही सेक्स में है तो एक बचा ये एक बचा ये एक बचा ये मेल और फीमेल दोनों में तो ये हो जाएगा इंक्रीज एग्रेसिवनेस मूड स्विंग डिप्रेशन ये दोनों में होगा देखो मूड स्विंग भी होगा डिप्रेशन भी होगा ये दोनों में हो सकता है डीपनिंग ऑफ वॉइस एक ही सेक्स में है मेस्कुलेशन फीमेल में एग्रेसिवनेस दोनों में बढ़ जाएगी ये है दोबारा से मैं अंडरलाइन कर देता हूं ये बढ़ जाएगा मूड स्विंग और डिप्रेशन ये दोनों में होगा फीमेल में भी होगा और मेल में भी होगा तो आंसर हो जाएगा इसमें an का मतलब भी होता है बॉडी में कोई एंटीजन आया सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको रिकॉग्नाइज करती है और इम्यून सिस्टम के पास उसको ले जाती है और उसके बाद में उस एंटीजन का जो है फर्दर ट्रीटमेंट होता है कि उसके साथ क्या किया जाएगा अब डेंडिटिक सेल तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही होती हैं मैक्रोफेजेस भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं है ना तो इसके अंदर जो खास चीज है वो ये है कि मास्क सेल जो होती है ना ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कभी नहीं हो सकती है ध्यान रखना ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी से ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर सकती है लिंफोसाइडिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस आंसर इज फोर मास सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं होती थर्टी एट एनाटिक रेस्पॉन्स इज बिल्कुल एकदम ज्यादा वाला रेस्पॉन्स ये प्राइमरी नहीं होता सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है मेमोरी सेल से आता है स्लो नहीं होता फास्ट होता है लॉन्ग लिव नहीं स्लो नहीं, तो है ही नहीं है सेकेंड इज द करेक्ट आंसर सेल्स करती हैं थर्टी नाइन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी फॉर इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम टिटनस सिम्टम्स विल रिक्वायर द यूज ऑफ किसी को मान लो खतरा है टिटनस हो गया है तो उसमें किस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो अपने पास में अवेलेबल होगा तो इसमें सीधा देते हैं अपन ए टी एस एंटी टिटनस सीरम टॉक्साइड नहीं देते अपन उसमें, ठीक है इसमें देते अपन ए टी एस एंटी टिटन सिरम आर्टिफिशियल पैसिफिशियल पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं अपन इमीजिएट रिलीफ हो जाता है इससे

कई जो है वो ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है ये कॉम्प्लीमेंट बड़े काम के होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये भी इन इम्यूनिटी का पार्ट होता है सेल तो इम्यूनिटी का ही पार्ट है लेकिन एंटीबॉडीज जो होती हैं ये बाद में बनती हैं नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इननेट इम्यूनिटी तो आंसर इज सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इसमें यह पूछा गया है सबसे कॉमन बीमारी क्या है नॉन इंफेक्शस मोस्ट कॉमन फैटल डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग मोस्ट कॉमन फैटल फैटल का मतलब होता है जो है जिसमें जान का खतरा है तो कैंसर होता है इसमें जान का खतरा होता है नॉन इन्फेक्शस है बाकी टीबी इन्फेक्शस है एड्स इंफेक्शन है डायबिटीज में इतना जान का खतरा नहीं होता 44. Alpha is to a as it is. जाते हैं? जब दिए जाते हैं जब बॉडी के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाना हो तब ये इंटरफेरॉन दिए जाते हैं तो इसके अंदर आपके सामने ऑप्शन है कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट है क्या इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं है ये तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा सेकेंड है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है उसको ये और अपग्रेड कर देता है ताकि इम्यून रेस्पॉन्स और अच्छा आए है. है ना और वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देता है अदरवाइज क्या होता है कैंसर सेल जो होती हैं वो कैंसर सेल वो अपने बॉडी की जो ट्यूमर को डिस्ट्रक्ट करने वाली सेल होती हैं उनसे बच निकलती हैं वो ट्यूमर को डिस्ट्रक्ट करने वाली सेल जो बॉडी के अंदर नेचुरली मौजूद होती हैं वो सेल जो होती हैं

फिर आ गया लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड इज कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के किस स्पीशीज से ऐसा देखा गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड सबसे लंबा होता है इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिस दिन से इन्फेक्ट किया उस दिन से सिम्टम्स आने में जो टाइम लगा वो इंक्यूबेशन पीरियड ये प्लाज्मोडियम मलेरिया में काफी लंबा होता है ये करीब दो हफ्ते से भी ज्यादा का होता है दो हफ्ते का मान सकते हैं आप कम से कम बाकी सबके अंदर ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना विद इन वीक और एट डेज के अंदर अंदर का होता है या लेस देन टेन डेज का होता है इसमें मोर देन टेन डेज का है ये लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम मलेरिया का इसमें टू वीक्स के आसपास का होता है फोर्टी सेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंस आवर इम्यून सिस्टम सही है माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ करेक्ट हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल थर्ड फोर्थ है हेल्थ हेल्थ डज डज नॉट सिंपली सिंपली सही नहीं है अभी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट तो ये पहला दूसरा और तीसरा ये सही है ये पूरा सही नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता खाली बीमारी नहीं है तो हेल्थ मानी जाएगी उसमें कंप्लीट फिजिकल मेंटल और वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें आंसर हो गया फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्टी एट प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू ए पर्सन विल इंक्लूड ऑल स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट ठीक है किसी भी इंसान को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सब चीजें सारी स्ट्रेटेजीज लागू होती हैं किसके अलावा लागू नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एटीएस एंटी टेटनस सीरम पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है दूसरा है प्रोवाइडिंग आईजीए एंटीबॉडीज टू द न्यू थ्रू कोलोस्ट्रम बिल्कुल ये भी आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यह कि

तो 48 में पोलियोमाइलाइटिस जो है इसका ये पैसिव अपने से पूछा गया पैसिव इम्यूनिटी तो ये एक्टिव में आ जाती है इसलिए आंसर हो गया थ्री 49 साल्मोनेला टाइफी टाइफ ये वो बैक्टीरिया जिससे टाइफाइड हो जाता है जनरली एंटर द इंटेस्टाइन थ्रू किसके थ्रू जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जाता है एंड माइग्रेट टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड पानी और खाने से फैलता है और ब्लड के थ्रू ये बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो आंसर है फोर्थ फिफ्टी द करेक्ट सेट ऑफ डिजीजेज विच स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट ओरल रूट का मतलब है एक्सक्रीटा उससे फैल सकती है या फिर ओरल रूट से फैल सकती है एक्सक्रीटा से पैथोजन का कोई भी फॉर्म बाहर निकलेगा बॉडी से चाहे वो एग हो चाहे वो लायरवा हो है ना वो बॉडी से बाहर निकलेगा फीकल फीकल का मतलब है एक्सक्रीटा से निकलेगा वो अब वो बॉडी में ओरली जाएगा तो ओरली किसके थ्रू जाएगा या तो खाने के थ्रू या पानी के थ्रू फीकोरल लूट से क्या क्या फैलता है वो पूछा है कॉलरा, हैजा है ए पीलिया टाइफाइड ये ठीक लग रहा है मेरे को बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया ये इसी तरह से फैलते हैं पानी से कंटेमिनेटेड पानी से एलिफेंटियासिस नहीं है तो मच्छर वाला आ गया, से नहीं जाता कोई कहते हैं, ब्लड और उससे जाता है एस्केरियासिस नहीं है, है एस्केरियासिस तो फीकोरल रूट से होता है लेकिन ये हिपेटाइटिस बी नहीं होता है फीकोरोल से ए होता है जॉन्डिस बी नहीं होता तो यह भी नहीं होता तो आंसर इसमें फर्स्ट है ए एंड टाइफाइड ये कंटेमिनेटेड वाटर तो से फैलते हैं अनडाइजेस्टेड सॉरी एक्सक्रीटा के साथ बॉडी से बाहर निकलता है इनकी इंफेक्टिव स्टेज 51. वन आफ्टर सालमोले टाइफी इन्फेक्शन विच फॉलोइंग सीवियर केसेस साल माइफी से टाइफाइड होता है उसमें क्या क्या हो सकता है सीवियर केस में क्या होगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा सिवियर केस के अंदर तो क्योंकि माइल्ड सिम्टम है बुखार आ जाना कॉन्स्टिपेशन होना ये माइल्ड सिम्टम्स हैं शुरुआत में आते हैं बुखार आ जाता है भूख लगना बंद हो जाती है है ना और ये कब्ज हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लेकिन जो परफोरेशन होता है छेद हो जाते हैं वो सीवियर केस के अंदर होता है तो इसमें आंसर हो गया फोर फिफ्टी टू फिफ्टी टू में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द नेचुरल किलर सेल्स दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरोमस बाय एक्वायरिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर तो नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं ये बोन मैरो में तो बनती हैं लेकिन थायमस में नहीं जाती डज नॉट अप्लाई तो डज नॉट अप्लाई में पहला तो अप्लाई नहीं कर रहा है दूसरा है दीज आर पार्ट ऑफ सेल्यूलर इनट इम्यूनिटी बैरियर सही है सेल्युलर बैरियर की तरह काम कर रहा है दे प्रोड्यूस परफोरिन ये इन्फेक्टेड सेल है मान लीजिए जिसके अंदर खूब सारे वायरस पार्टिकल हैं तो इसके अंदर ये छेद कर देगा परफोरेशन और उसके थ्रू क्या होगा वाटर एंटर कर जाएगा इसके अंदर वाटर एंटर करते ही सेल बस्ट हो जाएगी ये सही है दे कैन एक्ट अगेंस्ट वायरस इंफेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल ठीक है पहला सही नहीं है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 53, इफ़ अ ए इफ़ अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइफाइड का क्या है विडाल टेस्ट आंसर है टू क्वेश्चन नंबर 54 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनोलोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज लीड्स टू रप्चर ऑफ मास सेल इन रेस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एलर्जन इसमें आई आईजीई याद रखना आप ये मीडिएट करती है एलर्जिक रिएक्शंस जैसे मान लीजिए ये मास सेल है ये इसका न्यूक्लियस है ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं हिस्टामिन सीरोटोनिन वगैरह के ये जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये आके इससे जुड़ेगा और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये रिलीज कर देगा बाहर सेल रप्चर हो जाती ये है ये ग्रेन्यूल्स किसके हैं हिस्टामिन सीरोटोनिन वगैरह के होते हैं एलर्जी इसी की वजह से होती है आई जी ई एंटीबॉडी ई नेक्स्ट द नेम मैरी मेलन ये टाइफाइड से जुड़ा हुआ है टाइफाइड मैरी कहलाती थी इसी ने इंफेक्शन फैलाया था अमेरिका में शुरू में काफी तो इसी को अपन याद रखें एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है टाइफाइड एंटोमोफिली थ्रू बीज मीन्स बीज जो होती हैं वो आइडियल पॉलीनेटर्स होती हैं ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो कहलाते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स और ये प्रॉपर्टी कहलाती है एंटोमोफिली एज रिजल्टेड इन एनहानस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एक्सेप्ट मीन्स हनी बीस किस किस को पॉलिनेट कर सकती हैं ऐसा पूछा जाता है तो सनफ्लावर को कर सकती हैं ब्रेसी का सरसों को कर सकती हैं एप्पल को कर सकती हैं केले को नहीं करेंगी केले का पॉलिनेशन वो नहीं होता क्स्ट एंटमीबाइस्टोलेटिका इज प्राइमरीली ए पैरासाइट ऑफ तो एंटमीबाइस्ट तो कॉलोन में जाता है कॉलोन इज ए पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन में जाके ये वाटर का सिक्रीशन करा देता है जिससे क्या होता है बॉडी से पानी निकल जाता है लूज मोशन हो जाते हैं पेट दर्द होता है उससे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ठीक है प्राइमरीली हालांकि ध्यान रखना ये यह का लिवर में भी जा सकता है किडनी में तो कर नहीं जाएगा है ना लेकिन लिवर में ही जा सकता है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी की सेल्स और टिश्यू पर अटैक कर देता है रिमोटेड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी ये नहीं ये जेनेटिक है ग्रेव्स डिजीज ये भी ऑटो इम्यून है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो अफेक्ट होती है ग्रेव्स डिजीज तो स्किड में क्या होता है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है है ना और ये ऑटो इम्यून नहीं है 59 कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विच वन इज नॉट ट्रू फॉर दैट प्रोसेस अब कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सही नहीं है वो पढ़ना है अपने को विच वन इज नॉट ट्रू फॉर दैट प्रोसेस सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल एंड इंजेक्टेड इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाई ब्रीडर सही है सीमन वे बी यूज इमीजिएटली और कैन बी फ्रोजन एंड यूज लेटर डेट ठीक है इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ये तो गलत हो गया यही आंसर थ्री ट्रांसपोर्ट तो किया जा सकता है इसको फोर्थ इट हेल्प अस टू ओवरकम से प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल बेटिंग वो भी सही है तो क्या सही नहीं है थर्ड आंसर इज थ्री ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सिक्सटी सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेट विद रिगार्ड टू फेगोसैटिक सेल्स ऑफ सेल्युलर बेरियर ऑफ इम्यूनिटी अब अपने को क्या ढूंढना है इनकरेक्ट ढूंढना है गलत ढूंढना है किसका फेगोसैटिक सेल्स के बारे में कफर सेल्स फेगोसाइटिक होती हैं, डस्ट सेल भी फेगोसाइटिक होती हैं, कफर सेल्स होती हैं लीवर में डस्ट सेल होती है लंग्स के अंदर ये में फैगोसाइटिकल माइक्रोफेज ये फेगोसाइटिक हैं माइक्रोग्लियल सेल्स ये भी फेगोसाइटिक ब्रेन में होती हैं न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटिक हैं, तो इसमें क्या इनकरेक्ट पूछा है ना तो ये किलर टी सेल्स और एनके सेल्स ये फैगोसाइटिक नहीं है आंसर हो गया इसके अंदर ये तो इन्फेक्टेड सेल को मार देती है नेचुरल किलर सेल्स नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ ए डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अब इसमें देखो आप निमोनिया इससे रिलेटेड आपको जो पॉइंट है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये सही है तो आंसर हो गया इसमें वन बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फेस में है ना इंस्पायर्ड एयर के साथ टाइफाइड नहीं होता मलेरिया जो होता है वो मेल और मॉस्किटो से नहीं होता और ये सारी बातें फिर आंसर इज वन निमोनिया टू ए हेल्दी पर्सन एक्वाय इंफेक्शन बाय यूजिंग ये तो फंगल इन्फेक्शन है तोलिए से साबुन से और उनसे फैलते हैं टावल क्लोज और कॉम फंगल इंफेक्शन आंसर इज थ्री स्टडी द गिवन डायग्राम एंड नेम द लेबल्ड ए बी सी डी अब इसके अंदर आपके सामने ये ए है ये बी है ये सी है, है और डी कहां गया इसमें ये डी ये हो गया अब इसमें जो है इनका नाम ढूंढना है ए क्या है अब आपके सामने ये ए बना हुआ है ये गेमिटोसाइट सेल्स हैं इनसे गेमिट्स फ्री हुए हैं तो गेमिट कहा लिख रखा भाई इसमें देखो आप ये गेमिटोसाइट्स हैं बिल्कुल सही है ए वाला दूसरा है सलाइवे ग्लैंड बिल्कुल सही है बी सिला ग्लैंड है फीमेल एनोफेलिस की सी ए स्पोरोट ये इन्फेक्ट हुए और डी है ये वाली ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो रहा है आरबीसी के अंदर ना इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहलाती है ये क्या कहलाती है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहलाती है आंसर इज वन सिक्सटी फोर ए

इंटरफेरॉन नहीं है एंटीबॉडी नहीं है सारा खेल मेमोरी का है एक बार एंटीजन आ गया उसको याद रखा अगली बार आया फॉरन रेस्पॉन्स दे दिया 66. Which of the following is an odd one out with regard to types of lymphoid organs of the animals? Lymphoid organs से related. जो हैं ये प्राइमरी lymphoid organ है बोन marrow, thymus. ये बर्ड्स के अंदर होता है. प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन लिम्फ नोड है ये सेकेंडरी ऑर्गन है तो आंसर हो गया फोर बर्स ऑफ फेब्रिकस जो होता है वो यूरिनरी <coughs> जो होता है ना क्लोएका जैसे ये एक्सक्रीटरी जो ओपनिंग है ना बॉडी से बाहर बर्ड्स में ये होता है क्लोएकल अपर्चर और ये स्ट्रक्चर होता है क्लोएका यहाँ पे इंटेस्टाइन आके खुलती है तो इससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बर्साओ फेब्रिकस ये बर्ड्स को जो है वहां पे प्राइमरी इम्यून ऑर्गन की तरह काम करता है आंसर हो गया फोर लिम्फ नोड्स ये सेकेंडरी में आती हैं आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इसके बारे में पूछा है ये तो एक कैनाविनॉइड का स्ट्रक्चर है ये तो याद करना पड़ेगा आपको इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है नेक्स्ट वैक्सीनेशन ए कंसेप्ट डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर यूजिंग द काउपॉक्स वायरस इम्यून टू स्मॉल इसके अंदर क्या किया कि वायरस को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया और बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई तो एक्टिव इम्यूनिटी आई कैसी है एक्टिव इम्यूनिटी लेकिन नेचुरली नहीं आई ये आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्योंकि टीका लगाया गया

दो इसमें पैराटोप छ नहीं है इसमें वन टू थ्री फोर चार ये पैराटो है ना आई जी ए विथ फोर पॉलीपेप्टाइड तो फोर नहीं है ज्यादा है इसमें तो आई जी एम में तो क्या होता है ये पांच का सेट होता है इसको बोलते हैं पेंटामर तो आंसर है वन डेल ये तो वो हाइब्रिडाइजेशन है ना बीकानेरी यूज एंड रैम्स फर्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इसमें ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल शो किया गया है और इसके बारे में पूछा गया है अब क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी तो ए क्या है ये अपन देख लेते हैं ये ए है बेटा इसके अंदर हैवी चेन बिल्कुल सही है बी है लाइट चेन ये भी सही है सी है एंटीजन बाइंडिंग साइट ये वाली ये भी सही है डी है डाइसल्फाइड बॉन्ड ये भी सही है तो पहला ही सही हो गया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको आंसर इज वन सेवेंटी टू सेवेंटी टू में ये पूछा गया है कि विच इज और आर एडिबल मैरीन फिशेज ये फिशेज को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रेश वाटर है कौन सी मैरीन है खाने वाली हिल्सा सार्डिन मैकरल पॉम्फ्रेट्स ये एडिबल है सारी की सारी और मैरीन है ना कटला फ्रेश वाटर है रोहू फ्रेश वाटर है कॉमन कार्प हिल्सा ये फ्रेश वाटर वाली आ गई तो ये मैरिन पूछिए तो फर्स्ट इज राइट आंसर ऑल द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल्स एक्सेप्ट फीमेल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन लेता है तो उसमें कई साइड इफेक्ट्स आते हैं ये पूछ रहा है किसके अलावा एक्सेप्ट पूछा है ना किसके अतिरिक्त किसके अलावा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस डीपनिंग ऑफ वॉइस ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये नहीं होगा ब्रेस्ट तो फीमेल में ही होती है तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट उससे नहीं होता आंसर है फोर सेवेंटी थ्री में आंसर इज फोर सेवेंटी फोर हनी भी स्पीशीज रियर्ड मोस्ट वाइडली इन इंडिया एपी सिंडी का है बहुत आसान सवाल है आंसर इज वन सेवेंटी फाइव टिक मार्क द इनकरेक्ट मैच विद रिगार्ड टू ड्रग्स इट सोर्स एंड एक्शन गलत ढूंढना है आपको अब जैसे ये ड्रग है ये देखो ये गलत हो गया पॉपी प्लांट तो ओपीएम मिलती है इससे तो ये तो ठीक है।, है ना कैफिन टी लीवस कॉफ़ी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्फिटामिन सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रीनलिन ये गलत है, है नहीं नहीं, ये ठीक है एम्फिटामिन एड्रीन मेक्स अ पर्सन मोर वेकफुल कोकेन कोका पोटेंट स्टिमुलेट एक्शन ऑन सी एन एस यूफोरिया हो जाता है इससे ये ठीक है अपने से तो गलत पूछा है न ये ये वाला कॉम्बिनेशन गलत हो गया सेवेंटी फाइव में आंसर इज वन सेवेंटी सिक्स फॉलोइंग टेक्स दैट्स इन स्टेज वन टू एंड थ्री तो देखो वन में तो हॉर्मोन दिया जाता है उसका नाम है एफ एस एच दूसरा जो प्रोसेस हुआ उसके अंदर वो हुआ ओवुलेशन एक बार में कई एक्स रिलीज हो गए फिर थर्ड है ये वाला एट टू थर्टी टू सेल स्टेज में ट्रांसफर टू सरोगेट मदर ये आपको स्टेप्स आने चाहिए तो आंसर है इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ सरोगेट मदर आंसर इज फोर 77, recognition of self versus non -self antigens by जो की एंटीजन से एक्सपोजर के बाद आती है उसको अपन बोलते हैं उसके अंदर रिकन रिकोगेशन ऑफ सेल्फ वर्सेज नॉन सेल्फ एंटीजन बाईप्टिव्यूनिटी Humorous, किस तरह से होता है काम ये कैसे पहचानता है इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस है अब इसमें पहला है एक्सपोजर ऑफ बी सेल्स टू द बॉडीज ओन एंटीजन इन थायमस सेकंड एक्सपोजर ऑफ बी सेल टू द बॉडीज ओन एंटीजन इन बर्स ऑफ फेब्रिकस ये तो बर्ड्स के अंदर होता है ना ह्यूमन में होता ही नहीं है एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू द बॉडीज टी सेल थोड़ी करेंगे ओन एंटीजन इन द बर्स ऑफ फेब्रिकस ये तो बर्ड्स में है ना भाई गलत एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू द बॉडीज ओन एंटीजन इन द तो thymus में तो <coughs> ये सही है एक्सपोजर ऑफ टी सेल टू द बॉडीज ओन एंटीजन इन द दाइमस जो बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड है उसके अंदर टी इम्फोसाइड का मैचुरेशन होता है और उस मैचुरेशन वाले प्रोसेस में बॉडी के खुद के एंटीजन से उसको सेल को जो मैच्योर हो रही है उसका सामना कराया जाता है अगर वो सामना ढंग से कर लेती है उस एंटीजन को किल कर लेती है उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो आगे फिर आगे के लिए बॉडी में काम करती है तो ये सही है फोर्थ यहाँ पे बी सेल लिखकर बी सेल नहीं है टी सेल्स होती हैं आंसर इज फोर्थ ये एन का एक डायग्राम है जिसमें पूछा गया है एनिमल्स को पहचानना है तो एक तो ये लेग है मुर्गा और एक जर्सी गाय है ठीक है वन है आंसर 78 एट में सेवेंटी नाइन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन मिल्क प्रोडक्शन तो मिल प्रोडक्शन में अगर कोई बिलो एवरेज है तो एक बार आउट क्रॉस करवा दिए तो उससे वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है वो समस्या का समाधान हो जाता है क्रॉस ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन ब्रीडिंग करने से तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन सब जगह संभव नहीं होता पॉसिबल नहीं होता तो आंसर है सेकेंड सेवेंटी नाइन मेंच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैंसर डिटेक्शन के लिए सबसे सेफ टेक्निक कौन सी है तो सबसे सेफ टेक्निक जिसमें एक्सरे यूज नहीं होता तो वो सबसे सेफ मानी जाती है एमआरआई तो में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है ये एक्सरे की कंपैरिजन में जो होता है वो सेफ होता है तो आंसर है इसके अंदर 1 81 फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आउट ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में क्या इंक्लूड नहीं है आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग भी इंक्लूडेड होती है इसमें क्रॉस ब्रीडिंग भी इंक्लूडेड होती है इसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी इंक्लूड होता है लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता इन ब्रीडिंग अलॉन्ग विदेक्शन ये नहीं होता है तो इसके अंदर तो आंसर है इसके अंदर थ्री 82. इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए एंड बी शोन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग द सोर्स एंड यूज ये पूछा गया है ये चार जो जो है ना ऑप्शन ये इसी में से ढूंढ के निकालना है तो इसमें ये वाला डायग्राम है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है ये स्ट्रक्चर है बेटा मॉर्फिन का मॉर्फिन किससे ऑप्टन होती है पेपेवर सोमनी से। ठीक है और ये येटिव भी है पेन किलर की तरह से भी इसको यूज किया जाता है तो आंसर हो गया इसके अंदर फोर्थ बाकी सारे गलत हैं है ना ये सारा गड़बड़ लिखा हुआ कोकेन एक्सी ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन हीरोइन डिप्रेसेंट स्लोस डाउन बॉडी फंक्शन कैना सटाइवा ये गलत हो गया कैना सटाइवा में एट्रोपा बेलाडोना, तो ये स्ट्रक्चर से कोललेट करना है आपको ये स्ट्रक्चर गलत डिस्क्राइब कर रखे हैं कई जगह ये फोर्थ वाला ऑप्शन एटी थ्री एमओ टी इज ए प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट है ना और इट हैज हैजिन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर ऑल द फॉलोइंग इससे किसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता खरगोश में होता है शीप में होता है रैबिट्स के अंदर और कैटल पशुओं के अंदर तो होता ही है लेकिन ये मुर्गा मुर्गियों में नहीं होता आंसर इस टू 84. फोर स्मोकिंग इंक्रीजेज स्मोकिंग से बॉडी में क्या बढ़ जाता है कार्बन मोनोक्साइड बढ़ जाती है और वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेती है कार्बोक्सी बना देती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है आंसर इज थ्री म्यूल यानी कि खच्चर इज प्रोड्यूस्ड बाय तो ये तो डॉग सॉरी इसमें हॉर्स और डंकी का क्रॉस है तो हॉर्स और डंकी का क्रॉस क्या कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा फोर्थ आंसर है एट्टी सिक्स द यूज ऑफ एंटी स्टामीन एडिनलिन एंड एस्टीरोड क्विकली रिड्यूस द सिमटम्स ऑफ ये जो दवाइयाँ हैं एंटीस्टामिन हो गया स्टीरोयड हो गया एडिनलिन हो गया इनका यूज़ किस में होता है एलर्जी के ट्रीटमेंट में होता है क्योंकि एलर्जी को फॉरन ट्रीटमेंट चाहिए होता है पेशेंट को बहुत दिक्कत आ जाती है अगर उसको इमीजिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो इमीजिएटली तो रिलीफ देने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती हैं एलर्जी के, के केस में वो एंटी एस्टामीस एडिनलिन और स्टीरॉइड होते हैं उनसे काफी जल्दी रिलीफ मिल जाता है आंसर है थ्री एट्टी सेवन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स एंड फर्टिलाइजेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। गेमिट बनते हैं बेटा किसके अंदर जाके मॉस्किटो की गट में जाके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की गट में जाके गेमिट बनते हैं एना? गट मतलब स्टमक उसका स्टमक ऑफ मॉस्किटो फर्टिलाइजेशन भी वहीं होता है इसमें एक ही ऑप्शन है ऐसा आरबीसी में नहीं हो रहा मॉस्किटो की ग्लैंड में नहीं हो रहा ह्यूमन ब्लड और लीवर में नहीं हो रहा तो आंसर इज सेकेंड स्टमक ऑफ मॉस्किटो और इसकी जगह अगर आपको गट भी लिखा मिल जाए ना गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल तो वो भी सही है 88, The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate प्रोग्राम deadly disease. Like मतलब अपने को ऐसे डिजीज को सेलेक्ट करना है जिसको अपन पूरी तरह से इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो का इरेडिकेशन हो चुका है इंडिया से रिसेंटली लेकिन सब जगह से नहीं हुआ स्मॉल पॉक्स टिटनस का नहीं हुआ डिपथीरिया का नहीं हुआ पोलियो का सिर्फ इंडिया से हुआ है तो ये स्मॉल पॉक्स का हुआ है Complete eradication. Answer is fourth. 89. Female mosquitoes of any type are not involved as host or vectors in the life cycle of <coughs> Leishmania Leishmania donovani. Leishmania donovani. इसमें मॉस्किटो नहीं है इसमें सैंडफ्लाई है वेक्टर होती है प्लाज्मोडियम इसमें फीमेल एनोफलिज डेंगी चिकनगुनिया वुकेरेरिया ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है लिश्मानिया में सैंडफ्लाई होती है वेक्टर नेक्स्ट

च डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन द मॉस्किटो स्टेमक वैन इट सक्स इंफेक्टेड ब्लड इज तो गेमिटोसाइड जो होते हैं जो आगे जाके गेमिट्स बनाएंगे ये फीमेल एनोफेलिज उसको डाइजेस्ट नहीं करती आंसर इज फोर नाइनटी टू इन विच आर द फॉलोइंग डिजॉर्डर एलव्यूलाई गेट्स फील्ड विद फ्लू लीडिंग टू सिवियर प्रॉब्लमेशन ये निमोनिया में होता है और ब्रीदिंग के लिए जो एक्सचेंज ऑफ सर्फेस होते हैं गैसेज के लिए सर्फेस चाहिए होती है उसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ये कब होता है निमोनिया में आंसर इज फोर नेक्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज इन द्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन Included in, तो ये इम्यूनोथेरेपी का पार्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करना ये यहमोथेरेपी में नहीं आता सर्जरी में नहीं आता रेडिएशन में नहीं आता इट अ पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी एक ही तरह की एंटीबॉडीज होती हैं एक पर्टिकुलर जो रिसेप्टर से बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देती है और कैंसर पेशेंट को रिलीफ दे देती हैं इम्यूनोथेरेपी में आती है एंटीबॉडीज सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज बाई क्रोनिक इंटेक ऑफ तो शराब पीने से होता है तो एल्कोल इंटेक से होता है एल्कोलरोसिस फोर्थ इज द राइट आंसर सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन ए एसे साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन अब इसमें आपको ढूंढना है कि ये इरिथ्रोसाइटिक <coughs> साइकिल का जो सही स्टेजेस क्या है तो ट्रोफोज आता है ट्रोफोजाइट के बाद में ये सिग्नेट रिंग स्टेज आती है आरबीसी के अंदर इस तरह की स्टेज आ जाती है इतना बड़ा ट्रोफोजाइट और ये ऐसी स्टेज आती है सिग्नेट रिंग स्टेज कहलाती है अमी स्टेज आ जाएगी उसके बाद में स्टेज का नाम है और उसके बाद में ये रोजाइट स्टेज आ जाती है जिसके अंदर इस तरह से ये ये रोजेट स्टेज आती है और उसके बाद में ये ये जितने भी शाइजॉन्ट्स हैं ये सारे शाइजॉन्ट्स हैं बेसिकली कि शाही जॉन्ट्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं और ये दूसरी आरबीसी को इनफेक्ट करता है तो आंसर इज थ्री ट्रोफोजाइट देन सिग्नेट स्ट्रिंग स्टेज देन अमीबॉइड स्टेज देन रोजेट स्टेज देन शाही थर्ड आंसर A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. यानी कि किसी को एड्स का शक है

फॉल्स अब इसमें पहला स्टेटमेंट है एड्स वायरस कैन पास फ्रॉम इंफेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा है एड्स वायरस विल माउंट एन अटैक ऑन सेल्स विदी फोर रिसेप्टर्स बिल्कुल सही हेल्पर टी सेल्स आर एच आई वी फैक्ट्री मैक्रोफेज होती तो खत्म होती जाती हैं PCR is now routinely being used to detect HIV in suspected AIDS patient. ये भी सही है एच आई इसका आजकल यूज होता है इसका तो ये भी, ये भी सही हो गया ये भी सही हो गया ये सी गलत है ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई ये ढूंढना है आपको ये ए इज बी इज ट्रू सी इज फॉल्स एंड डी इज फोर्थ है इसका राइट आंसर एट विच स्टेज ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन डज वन यूजफुली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स एच आई वी इन्फेक्शन होने के बाद में जो एड्स के सिम्टम्स आते हैं उसमें काफी लंबा टाइम लगता है क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का काफी बड़ा होता है अब ये कितना टाइम लेगा विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट पंद्रह दिन में पता नहीं चलता भाई ये तो बेकार है वेन द इनफेक्शस रिट्रो वायरस एंटर इन द होस्ट सेल क्या होस्ट सेल के अंदर एंटर करते से ही हो जाएगा क्या सिम्टम नहीं थर्ड है व्हेन एचआईवी आई वी लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स इससे पता चल जाएगा जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल डिस्ट्रक्शन होगा तो वैसे ही होस्ट की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी फोर्थ है व्हेन द वायरल डीएनए इज बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इससे भी पता नहीं चलता तो पता किससे चलेगा कि एचआईवी हो चुका है इंफेक्शन हो चुका है और उसके सिम्टम आ गए हैं ये पड़ेगा हेल्पर सेल के कम होने से इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से आंसर इज थ्री 98 में आंसर इज थ्री 99 मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म न्यूप्लाज्म कहते हैं ट्यूमर cancer की नहीं होती है ये तो मेलिग्नेंसी होगी सेल्स दैट नॉर्मली रिमेन्स कन्फाइंड टू देर ओरिजिनल लोकेशन नहीं ये तो माइग्रेट कर जाती है मेटास्टेसिस हो जाता है इसमा. प्रॉपर्टी ऑफ मेटा नहीं लॉस नहीं होती हो जाती है ये भी गलत है ये सही है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिलेटेड एड्स तो नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डॉट्स तो टीबी के लिए होता है ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये टीबी के लिए होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स 101 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ अ डिजीज इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ अब इसमें जैसे इंफ्लुएंजा है ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है अपने को पूछा है इनकरेक्ट मैचिंग है ये सही है स्मॉल पॉक्स विद्योला वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सही है मम्स पैरामिक्सो वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक है येलो फीवर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नहीं ये गलत है ड्रॉपलेट इंफेक्शन <coughs> ये गलत होगा ये वायरस नहीं है है ना रिकेट्सिया से होता है रिकेट्सिया एक तरह का बैक्टीरिया आप मान सकते हैं इसको ये गलत है आंसर इज फोर हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल वेलबींग मेंटल वेलबींग सोशल वेलबींग मोर देन वन ऑप्शन तो इसमें एक से ज्यादा सही है फिजिकल वेलबींग well भी आ गई मेंटल वेलबींग well भी आ गई सोशल वेलबींग well भी आ गई आंसर इज फोर अबाउट 85 परसेंट ऑफ द ऑल ट्यूमर्स आर मैक्सिमम ट्यूमर्स कौन से होते हैं वो एपिथेलिया के होते हैं होते हैं कार्सिनोमाज कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सबसे कॉमन है एडिनोमास एडिनोम कैंसर ऑफ ग्लैंड ग्रंथियों के कैंसर हैं ग्लियोमास ये ग्लियल सेल का कैंसर है जो ब्रेन में होती हैं लिम्फोमास ये लिम्फोसाइट्स का कैंसर है ये इतने कॉमन नहीं होते ये सबसे कॉमन है एपिथिलियम की जो सेल्स होती हैं, उसमें रेट ऑफ सेल डिवीजन काफी तेज होती है और उसमें जरा सी भी गड़बड़ी होती फिर वो कैंसर को कॉज कर देता है वो सबसे कॉमन होता है वन जीरो थ्री में कार्सिनोमा। इफ ए डॉक्टर फाइंड द फॉलोइंग सिम्टम्स इन अ पेशेंट इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन ये तो एस्केरियासिस के सिम्टम है फीवर, एनीमिया ब्लॉकेज ऑफ ब्लॉक के जब इंटेस्टर्नल पेशेंट तो देश सफरिंग फ्रॉम एसकेरिस के इन्फेक्शन की वजह से एलिमेंट्री कैनाल ब्लॉक भी हो सकती है एनीमिया हो जाएगा फीवर आएगा भूख लगनी कम हो जाएगी मसल्स में पेन रहेगा इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आंसर इस टू एक में आंसर इज टू ये ब्लड की सेल्स शो की गई है सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन which shows डिस्ट्रक्शन ऑफ endoparasite फॉर्म by liberating लाइसोसोमल enzymes फ्रॉम WBC ऑन their सरफेस इसमें आपको सेल को सेलेक्ट करना है प्लेटलेट्स शो की गई हैं ये टीनिया सोलियम है ठीक है ये वाली जो सेल है ये है। ये डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ये एस्केरिस का है ये लीच शो की गई है ये लिवर फ्लूक शो किया गया है और ये ये शो किया तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में इोसिनोफीलिया हो जाता है ये पैरासाइट है एस्केरिस। आपको यूसिनोफिल का फंक्शन याद होना चाहिए यूसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और क्या करती हैं? इनफ्लॉमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, साथ साथ में पैरासिटिक इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऐसे केस में ये जो तीनों सिचुएशन मैंने बताई यूसिनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा तो ये यही कह रहा है इोसिनोफिल का काउंट जब बढ़ेगा तो इोसिनोफिल से जो सब्सटेंस रिलीज होंगे वो पैरासाइट पे अटैक करेंगे और पैरासाइट से लड़ने की कोशिश करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन यही है इोसिनोफिल शो की गई है वन आंसर इज वन वन जीरो फाइव में वन जीरो सिक्स द यूज ऑफ इंटरफेर अगेंस्ट कैंसर वॉज फाउंड टू बी इफेक्टिव एज इंटरफेर से क्या होता है कि जो सेल्स हैं कैंसर की वो नॉर्मली उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसमें कैंसर सेल से लड़ने के जो सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता तो जब होस्ट सेल कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल कैंसर सेल की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो अब अपने को यूज करना इंटरफेरॉन कैंसर के अगेंस्ट में ये क्यों कामयाब है इसलिए कामयाब है क्योंकि कैंसर सेल दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम इसलिए कामयाब है ये बिल्कुल जो है अप्रोप्रिएट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 107 कैंसर इज जनरली कॉज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ डैश इनटू एंड और इनएक्टिवेशन ऑफ फिर फिल इन द ब्लैंक तीन जगह द ब्लैंक्स आपको इसके अंदर भरना है तो कॉज टू म्यूटेशन ऑफ प्रोटोकोजीन होता है प्रोटो ऑंकोजीन प्रोटो ऑंकोजीन से क्या बन जाएगा म्यूटेशन होने से ऑंकोजीन बन जाएगा या फिर होता है इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन यानी कि ट्यूमर को सप्रेस करने वाले प्रोटीन बनाने वाला जीन उसके इनएक्टिव होने से होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन आंसर है थ्री वन जीरो सेवन आंसर इज थ्री वन जीरो एट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एच आई वी एच आई वी इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर फॉल्स पूछा है ना नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर सही है इन वॉटर और टॉयलेट सीड्स और थ्रू इंसेक्ट वाइट ये सही है देयर इज नो वैक्सीन फॉर एच आई वी सही है बिकॉज द जीन दैट कोड्स फॉर द वायरस सरफेस प्रोटीन म्यूटेड फ्रीक्वेंटली ये भी सही है हेल्पर टी सेल्स विच हैव सी डी फोर रिसेप्टर आर ऑफन द फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्फेक्टेड नहीं पहले मैक्रोफेज में जाता है हेल्पर टी सेल में पहले नहीं जाता ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है इसके अंदर द टू मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर निमोसिस्टिक निमोनिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो ये होते तो हैं एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर तो सही बात है अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं सब में नहीं होते जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसमें ये प्रोटोजोआ है टॉक्सोप्लाज्मा वो चला जाएगा और ये फंगल निमोनिया निमोसिस्टिक निमोनिया ये हो जाएगा थर्ड है ये गलत है फॉल्स है है ना इसके अंदर हेल्पर्टी सेल ना होके कौन सी सेल होती है मैक्रोफेजेस ये फंगल इन्फेक्शन शो किया गया लीजेंस हैं मॉइस्ट स्केली लीजन ऑन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्किन नेल्स स्केल फार सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज सेकेंडरी सिम्टम नहीं है यार ये इनकरेक्ट पूछा ये प्राइमरी सिम्टम्स होता है पहला मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू थ्री जनरा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट सही है माइक्रोस्पोरम है ना वो सारे एनसीआर में दे रखे हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंफेक्शन डिजीज ठीक बात है फंगल डिजीज है आर इंटेंस इचिंग खुजली होती है जलन होती है ये भी सही है ये सेकेंडरी सिम्टम नहीं पहला सिम्टम ही है ये इसलिए गलत हो गया थर्ड है इसमें आंसर वन जीरो नाइन में वन वन जीरो विच वन इज नॉट ए मेजर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज अमंग इसमें अवॉइड अंडर प्रेशर इसमें मिस प्रिंट हो गया अवॉइड ये स्पेलिंग गलत है चाह चाहकर भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी चाहिए सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स अपने नजदीकी लोगों से पेरेंट्स से सलाह लेनी चाहिए हेल्प लेनी चाहिए सीकिंग मेडिकल हेल्प विथ अवॉइडिंग डेंजर साइंस ये नहीं है नॉट ए मेजर ये नहीं है क्योंकि जैसे ही खतरा नजर आता है तो अपने को फौरन एक मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप फोर्थ इज द आंसर ये फिगर दिखाया गया है लिम्फाइड का, इसमें ए बी सी डी को अपने को आइडेंटिफाई करना है अब इसके अंदर जो ए है वो ए है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन नहीं होती अब इसमें लेकर प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होती है लिम्फ नोड्स। बी जो है थायमस ग्लैंड है दिस इज थायमस। दिस इज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन सी तो स्प्लीन है और ये जो डी है ये बोन मैरो को शो कर रखा है तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन जो है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर थ्री में कि बोन ऑर्गन है सी स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है ना प्राइमरी लिम्फाइड है और ये लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है थर्ड है राइट आंसर डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए एनसीआरटी का डायग्राम है वन वन टू फॉलोइ इज नॉट ए फिजिकल कार्सिनोजन अब फिजिकल कार्सिनोजन क्या नहीं है ये टोबेको स्मोक वाले नहीं है ये केमिकल कार्सिनोजन होते हैं फोर्थ इज द राइट आंसर वन वन थ्री विच ऑफ दीज कैन बी डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर कैंसर कैंसर की डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या क्या है बायोप्सी बिल्कुल सही है सी स्कैन ठीक है ये रेस्पॉन्स तो मॉडिफायर तो इलाज में काम आता है ट्रीटमेंट में काम आता है एम ठीक है रेडियोथेरेपी ये भी ट्रीटमेंट में काम आती है. अपने से पूछा है डायग्नोस्टिक टेक्निक तो ए बी एंड डी सेकंड है सही आंसर च ऑर द फॉलोइंग अकर्स इन स्कीडियर कंबाइंड इम्यून डेफिशियंसी में क्या होता है बॉडी की इम्यून सिस्टम वो फेल हो जाता है अब इसमें स्टेम सेल फेल टू प्रोड्यूस बी एन टी सेल जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, वो बेसिकली काम प्रॉपरली नहीं कर पाती बन ही नहीं पाती पहला ही आंसर इसमें बनी नहीं पाती हूं नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट ए टू डी हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर टू फॉर पैसिव इम्यूनिटी पैसि इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है पहला इज एंटीटिन आफ्टर एन इंजरी ठीक है एन इंजेक्शन ऑफ एंटीवीनम आफ्टर स्नेक बाइट ठीक है पैसिव इम्यूनिटी पूछी है जिसमें पैसिव इम्यूनिटी में सीधा अपन एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं न्यूबॉर्न वैक्सीनेटेड हिपेटाइटिस बी टिस बी में अपन जो है वो पैसिव <coughs> इम्यूनिटी का मतलब है एंटीबॉडी दे रहे हैं अपन लाइफ टाइम इम्यूनिटी अटेंड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स वंस एक बार चिकन पॉक्स हो गया ये तो एक्टिव हो जाएगी देखो एक ऑप्शन तो उड़ा दो आप इसमें से बचे कितने तीन न्यू बॉर्न अगें वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हिपेटाइटिस बी हिपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो उसके अंदर कोट प्रोटीन होती है उसका जीन इंकॉर्पोरेट करके वो प्रोटीन ट्रांसफर की जाती है एज ए वैक्सीन तो वैक्सीन बॉडी में जब गई तो कोट प्रोटीन लेके गई तो बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई खुद ने है ना तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है फिर वो पैसे पूछा है ना ये पैसिव है और ये पैसिव ए एंड बी टू फोर्थ आंसर इंक्रीज एस्टमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन अब अस्थमा में क्या होता है कि ग्रेन चले जाते हैं पोलम ग्रेन जब जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एयरवे के अंदर तो वो एलर्जी कॉज करते हैं और उससे अस्थमा ट्रिगर हो जाता है लेकिन यार एक बात है इंक्रीज एसमेटिकली सर्टेन सीजन आर सीजनल जो होता है वो सीजनल बेसिकली पोलन ग्रेन का ही है सीजन में आता है पोलन ग्रेन तो आंसर है इसके अंदर फोर फिगर ए एंड बी एनसीआरटी का डायग्राम है इसके अंदर एक तो है प्लांट और एक धतुरा थर्ड एस में सही आंसर प्लांट को रिकॉग्नाइज करना है वन वन एट विच इज ट्रू फॉर माल्ट इट कॉन्स्टिट्यूट 50 परसेंट ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू ऑफ द बॉडी ये ठीक लग रहा है इट इज प्रेजेंट इन म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनो ट्रैक्ट इट इज पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑल ऑफ दीज तो सारी बातें ठीक हैं तो वन आंसर इज फोर वन वन नाइन इफ देयर इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू फॉर कैंसर डिटेक्शन टिश्यू में आपने सैंपल लिया माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस सैंपल को स्टडी किया ये कहलाती बायोप्सी। कैंसर की डायग्नोस्टिक टेक्निक है बायोप्सी, माइक्रोस्कोप की हेल्प से होती है लास्ट एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग में लीड टू अब स्मोकिंग करने से एम फाइसीमा भी हो सकता है लंग कैंसर भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस यानी कि खांसी भी हो सकती है सब हो सकता है आंसर तो है फोर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेपर आई होप यू मस्ट है यू नो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन यूर सेल्फ आपने अपने आप के अंदर जो सुधार करने हैं वो देखे होंगे एग्जाम में टाइम कम रह गया है जो भी अपनी वीकनेस हैं उस पर फोकस करें जो भी टॉपिक वीक रह गया उसको एक बार रिवाइज करें एंड आई होप आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन सर्टेनली डू वेल इन द कमिंग नीट एग्जामिनेशन थैंक यू वेरी मच